भारत सरकार ने गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी दी है ताकि वो हर काम को अच्छे ढंग से कर सके, परंतु वहीं जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक के बुद्धिपुर गांव में सावित्री सहित 250 परिवार के लोग चक्रोट न बनने के कारण उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपके यही रास्ता से कोनो दिक्कत पड़ा था? हाँ, मैं बहुत दिक्कत होता है, जाए में गदेला भरा रहा था, खेत कियारी खेत भरा रहे, गदेला गिर गई हैं, उन्होंने कापी किताब भीज जाए भाई, बारिश होता बारिश में आवा जाए में दिक्कत होता है, चारों ओर से झोपस मार ली तब वो आवे में दिक्कत बा, गदेला हरदम गाँव में जाए में दिक्कत आई, हर से सामान लेके आवे लगबू गिर पड़बू, हरदम दिक्कत है बा। प्रधान से कहे कि भाई रोड बनवा दे, प्रधान नहीं सुने तब ओके बदे हम का करी, चाहे था कि रोड ही बन जाए। इस रास्ते तो हमारा हमेशा आना जाना है, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, और भी अगर कहीं सामान लेने जाना है तो इधर ही दुकान है, इधर से सब कुछ है। तो इस रास्ते से क्या दिक्कत होती है आपको? इस रास्ते से हमको बहुत दिक्कत होती है, और अगर जा रहे हैं तो ठंडी में तो ओस है, बड़ी बड़ी घासें हैं तो पूरा जाते वक्त भीग जाते हैं, और बरसात में है तो फिसल जाते हैं। मैं इसके लिए चाहती हूँ कि ये रास्ता जल्द से जल्द बने और सभी ग्रामवासियों को और हमें भी जाने आने में दिक्कतें न उठाने पड़े। गांव के चक्रोड की समस्याएं यह है कि जहां से शुरू होता है वहां ही चक्रोड सब कब्जा कर लिए हैं, कोई किसी का उसी में चक्रोड में ही पत्रा लगा हुआ है, किसी का मकान भी बना हुआ है, कोई जोते हुए हैं। हम प्रस्ताव में डाल तो दिए हैं लेकिन अभी तक उस पर काम हम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि जब तक लेखपाल या तो राजस्व विभाग उसको नाप दें तभी वो बन पाएगा, और गांव की जनता सहयोग दे उसके साथ तभी उसको हम बना पाएंगे। मैं चाहती हूं कि पंचायत वार्ड सदस्य इस और प्रधान इस पे निगरानी रखें और पहल करें ताकि सावित्री सहित 250 लोगों को आने जाने में सुविधा हो और किसी तरह का दिक्कतें न आए। इसके लिए मैं रामनगर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी का मोबाइल नंबर 94-54-46-52-77 पे कॉल करके मेरी मदद करें। मैं उषा पटेल, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।